महासंग्राम 2022 में कुर्सी की जंग, हम दिखाएंगे किसने किया कितना काम, किसको चुनेगी जनता, किसकी बनेगी सरकार, जनता से होगी सीधी बात, हर विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा होगा आपके सामने, किस प्रत्याशी में कितना दम, देखिए 7 इंडिया न्यूज पर। दक्षिण विधानसभा से सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने राजमंडी बाजार में जनसंपर्क कर जीत का समर्थन मांगा। सपा प्रत्याशी वह समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में है। सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल को पूरा विश्वास है कि वह समाज का प्यार और वोट जरूर मिलेगा और सपा के वोट बैंक के आधार पर जीत जरूर होगी। भाजपा की जनविरोधी नीतियों से जनता को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। आज राजा मंडी बाजार, अशोक नगर, गोकुलपुरा और वाल्मीकि बस्ती, गोकुलपुरा टीला आदि क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी नाराजगी है, पिछले 10 साल से कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए। लोगों में बड़ा उत्साह है कि विनय अग्रवाल जैसा चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी ने मैदान में उतारा है और एक समाज सेवी जो 25 साल से समाज के बीच में, व्यापारियों के बीच में कार्य कर रहा है और उन्हें बड़ी खुशी है। उन्हें लगता है कि जो कार्य अभी तक नहीं हुए वो विनय अग्रवाल निश्चित रूप से कार्य कराएंगे। और नाराजगी पुराने विधायक के प्रति बहुत है कि उन्होंने शकल तक नहीं दिखाई पिछले 10 साल के अंदर, और वो नाराजगी का आक्रोश विनय अग्रवाल को समर्थन के रूप में मिल रहा है। व्यापारियों में बहुत उत्साह है क्योंकि व्यापारियों की लड़ाई मैंने लड़ी और मैं लड़ता हूँ। व्यापारियों का उत्पीड़न जब भी हुआ विनय अग्रवाल हमेशा पहुँचा, चाहे थाने हो, चाहे चौकी हो, या शासन प्रशासन के पास हो, कहीं भी हो, विनय अग्रवाल ने हमेशा मदद करने का कार्य किया है। और व्यापारियों की मांग थी आगरा के अंदर जो प्रदूषण वाली इंडस्ट्रियां हैं वो नहीं लगनी चाहिए, नहीं लग पाएंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग लग सकता है, रेडीमेड गारमेंट का उद्योग लग सकता है, टेक्सटाइल का उद्योग लग सकता है, और रेडीमेड गारमेंट की जहाँ फैक्ट्रियों के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जो कि आगरा में उसका उद्योग बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। और लोगों ने कहा कि पेठा उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग यहाँ बन सकता है, फुटवियर उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है, विश्व स्तरीय उद्योग बन सकता है। ऐसी सभी रोजगार पर चर्चा हुई व्यापारियों के बीच में, और आगरा के डेवलपमेंट की भी बात हुई कि आगरा के अंदर जिस तरीके से अखिलेश जी यादव जी ने पिछली अपनी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दिया, मेट्रो दी, और ताजमहल के आसपास जो डेवलपमेंट के वर्क हुए, और जो उन्होंने इनर रिंग रोड दिया, ऐसी योजनाएं दी, और आईटी हब के लिए जो जमीन दे रखी है उस पर भी कार्य होना चाहिए, आईटी हब बनना चाहिए जिससे जाके लोगों को रोजगार मिले, जाम से छुटकारे के लिए एक एलिवेटेड रोड भी बने जहाँ पर एमजी रोड के ऊपर। ऐसी ही व्यापारियों से अनेक चर्चा हुई, व्यापारी बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि नहीं, विनय अग्रवाल बड़े सक्षम प्रत्याशी हैं और व्यापारियों की समस्याएं समझते हैं। और व्यापारियों ने एक रोष बहुत व्यक्त किया कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों, कोरोना काल में जो मृत्यु हुई इन व्यापारियों की, उनको 10 लाख का बीमा नहीं दिया गया। 10 लाख का बीमा उनको देना चाहिए, हमारी मांग है, क्योंकि व्यापारी समस्त जीवन व्यापार करता है और टैक्स कलेक्ट करके टैक्स सरकार को जमा करता है, तो एक तरह से वो भी सरकारी कर्मचारी है, उसको 10 लाख का बीमा देना चाहिए। और अनेक समस्याओं पर, जनताओं की समस्याओं पर, कहीं नाली टूटी है, कहीं गंदगी है, कहीं कोई नाला टूटा है, कहीं कोई सड़क टूटी है, ऐसी अनेक समस्याओं पर भी बात हुई। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणाएं करी है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बहुत कुछ देंगे, 18,000 की पेंशन योजना को बढ़ा देंगे, तो ऐसी अनेक योजना है। और अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब कोई लैपटॉप की योजना है उनकी, अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। मेरा नाम जसवीर सिंह सोनी, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए, मैं आज दक्षिण विधानसभा में रहा माननीय विनय अग्रवाल जी के यहाँ। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और निश्चित तौर पर माननीय अग्रवाल जी ने जो कहा था, 10 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, एमएलए क्षेत्र तक जाते नहीं है, यहाँ की जो समस्या है व्यापारियों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, माइनॉरिटी की है, वो समस्याएं बिल्कुल सुनने का नाम नहीं लिया उन्होंने, उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए, इसलिए उनका रोष है। और निश्चित तौर पर दक्षिण विधानसभा बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और पॉलिटिकल जस्टिस गठबंधन का प्रत्याशी माननीय विनय अग्रवाल जी निश्चित तौर पर जीतेंगे। व्यापार में आज दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी भाई विनय अग्रवाल, और बल्कि ये कहूंगा कि व्यापारियों ने व्यापारी का स्वागत किया है और व्यापारी का दर्द व्यापारी जानता है। निश्चित ही आप देख रहे हैं आगरा की 2 लाइफलाइन कही जाती है, जिसमें एक तो जूता उद्योग और एक टूरिस्ट उद्योग। आज दोनों की स्थिति क्या है, जूता उद्योग वालों का 5% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई, और आप टूरिस्ट लाइन में देखते हैं क्या स्थिति, 4 साल से लोग अपनी जिंदगी और बजट से जूझ रहे हैं। आप देखो, आमदनी आदमी की कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है।
और आगरा में आप देखो तो 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने मीना बहर फील्ड में कहा था कि हाईकोर्ट बैन की स्थापना हुई, खंडपीठ की, एयरपोर्ट आएगा, स्टेडियम आएगा, आगरा में क्या किया? मैं कहता हूँ कि 5 साल के अंदर इन्होंने 5 काम भी आगरा में गिरा दें तो मैं मान जाऊंगा इन लोगों को। तो सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आगरा में एक्सप्रेसवे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था उसके संग संग एक इनर रिंग रोड बनाई थी, जो एक फर्स्ट लेन बनी थी, इसके नीचे नदी का एक पुल भी था। दूसरा फेज बनना था रमाडा से ग्वालियर रोड तक, आप देखिए दूसरे फेज में 5 साल तक क्या हुआ, कोई नहीं, सिवाय केवल जुमलेबाजी के कुछ भी नहीं है। 15 लाख की तो मैं बात ही नहीं करता कि 15 लाख की बात करना ही बेकार है, लेकिन लोगों के अंदर जो बचे हुए खाते में पैसे थे वो भी निकालने का काम सरकार ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव निश्चित है और 22 में निश्चित ही बदलाव होगा।